हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको 3 से 4 साल के बच्चे की कट स्लीव हुडी जैकेट बनाना सिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए, सबसे पहले आपको 4 लेयर फोल्ड फैब्रिक लेना है। इसकी लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। यहाँ मैंने इसको 18 इंच लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 इंच रखी है। सबसे पहले इसके लिए हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर मैंने 5.5 लिया है। अब इसकी आर्म होल लेंथ लेंगे, ये भी 5.5 रखी है। अब इसके नेक की जो चौड़ाई होती है वो लेंगे। यहाँ मैंने 4.25 ली है, आप 4 तक ले सकते हैं। अब इसको यहाँ से 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये कंधे डाउन है, डाउन किया मैंने यहाँ से कंधे को। अब इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और इसको कर्व दे देंगे। यहाँ से आर्म होल के लिए कर्व कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट लिया है, जो मैंने 6.25 इंच लिया है। ये देखिए, ये कमर के लिए माप लिया है, ऊपर से 5.5 और यहाँ से 6 इंच। इसकी चौड़ाई हमने कमर की 6 इंच ली है और हिप की 6.25 ही रखी है हमने। ये देखिए, यहाँ से ये हम बैक जो आर्म होल होता है उसके लिए थोड़ा सा बढ़ा के कर्व देंगे और इन्हीं निशानों पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हम जो फ्रंट आर्म होल थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं उस पे से कट करेंगे, अंदर की साइड से जो हमने निशान लगाया था उसी पे कट करना है। ये देखिए, यहाँ हम पहले फ्रंट पार्ट में जो हमने नेक की जो गहराई रखनी है वो कट करेंगे। यहाँ मैंने नेक की गहराई 2.5 इंच ली है। अब इसको राउंड शेप देके यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट बैक जो हमारा पार्ट है उसको उसकी नेक की जो गहराई रखेंगे वो 1 इंच रखेंगे और इसको भी राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। ये दोनों नेक हमने कट कर लिए हैं। अब इनके तीरों को हम जोड़ देंगे। दोनों तीरों को जोड़ेंगे ऐसे रखते हुए, दोनों तीरों को हम जोड़ लेंगे। ये देखिए, जो हमारा तीरे जुड़ने के बाद हमें आर्म होल कट स्लीव बनाना है तो एक ओरे पट्टी लेंगे। ये 1.5 से 2 इंच की आप रख सकते हैं और ऐसे रखते हुए सीधी साइड में आपको एक पैर का की मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पे सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, ऐसे सिलाई करनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है। एक पैर की मशीन छोड़ते हुए एक पैर की सिलाई लगानी है आपको। यहाँ से इसको सिल लेना है। ये देखिए, यहाँ से स्टिच करना है। इसी तरह से आप दूसरी जो हमारा आर्म होल है उसको भी स्टिच कर लीजिए। इस तरह से पट्टी लगाने पर हमारे जो आर्म होल की लुक है वो बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, यहाँ हमने आर्म होल को तैयार कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। ये देखिए, यहाँ से हमने फिटिंग का जो निशान लगाया था उस पर स्टिच कर लिया है।
ये यहाँ से हम नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे का फोल्डिंग लिया हमने 1.5 इंच, जो हमने एक्स्ट्रा रखा था इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए बॉर्डर फोल्ड कर रहे हैं हम यहाँ। इसको ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ हमने अपना फोल्ड जो किया था उसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब हम इसके नेक का मेजरमेंट करेंगे। इनमें हमें सेंटर में फ्रंट और बैक दोनों नेकों में सेंटर में जो है निशान लगा लेना है और इसका मेजरमेंट लेंगे नेक का इस तरह से रखते हुए। ये हमारा 8.5 या 9.5 इंच आप ले सकते हैं। ये देखिए कैप की लेंथ हमने 12 इंच ली है और इसकी 11 इंच चौड़ाई ली है। हम यहाँ से इसको 1.5 इंच तिरछा लेंगे, इस तरह से इंची टेप को रखते हुए निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ से 2 या 2.5 इंच आप कर्व लेंगे, यहाँ से इसको कर्व का वो देना है, कर्व की शेप। ये देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। ये कैप के लिए हमने 2 लेयर फोल्ड फैब्रिक लिया है। ये देखिए इस तरह से निशानों पे ही कट करना है। ये देखिए बीच में से इसको अलग कर लिया है। अब इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। ये जो इसकी ऊपर की राउंड शेप है यहाँ से, ये देखिए इस राउंड शेप पे घुमाते हुए इसको स्टिच करेंगे। इसको नीचे तक स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी कैप स्टिच हो चुकी है। अब इसको हमें नेक पर अटैच करना है। ये देखिए जो इसका सेंटर की जो सिलाई है उसको हमें बैक नेक पे रखते हुए स्टिच करना है। बैक नेक के सेंटर पॉइंट पे ही रखना है। ये देखिए जो हमने मेजरमेंट ली थी नेक की, हमारी नेक की चौड़ाई की, अभी उस पे निशान लगाना है। 9 इंच आई है हमारी। ये देखिए 9 इंच पे ही निशान लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड कर लेना है। ये आगे से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको इतना फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड। ये देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको हम अभी फोल्ड कर लेते हैं। नेक को जो हमारी ये कैप है इसको पूरी तरह से इस तरह से तैयार करने के बाद इसको नेक पे अटैच करेंगे। ये देखिए इसको यहाँ से स्टिच करते हुए कंप्लीट करेंगे। पूरे पे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए एक सिलाई और लगाएंगे इसके साथ साथ।
एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। ये देखिए, इसको सेंटर में रखते हुए स्टिच करेंगे। कैप का भी सेंटर पॉइंट और बैक नेक का भी, जो हमें सेंटर का निशान लगाया था, वहाँ पे रखते हुए स्टिच करेंगे। पहले हमें एक साइड से स्टिच कर लेना है, फिर दूसरी साइड से स्टिच करेंगे इसी तरह से। ये देखिए, इस तरह से स्टिच कर लेना है। वन पैर का ही मार्जिन रखना है और कैप को और फैब्रिक को दोनों को लूज छोड़ते हुए स्टिच करना है। ये देखिए, दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये हमारी कैप अटैच हो चुकी है। ये दूसरी साइड से स्टिच कर लेंगे। एक साइड से हमारी कैप अटैच हो चुकी थी, अब दूसरी साइड से अटैच कर रहे हैं हम। देखिए, ये दूसरी साइड से स्टिच हो चुकी है। ये देखिए हमारी हुडी जैकेट की फाइनल लुक। इस तरह से आप भी 2.5 से 3 साल के बच्चे की हुडी जैकेट बना सकते हैं इसी मेजरमेंट को लेते हुए। ये देखिए, फाइनल स्टिच लगाना है यहाँ से। ये देखिए, वन पेन का मार्जिन रखते हुए नीचे की साइड रखना है मार्जिन और स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये अब हमारी हुडी जैकेट तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसकी फाइनल लुक बड़ी ही अच्छी आई है। इस तरह से आप भी घर पे अपने बच्चे के लिए हुडी जैकेट तैयार कर सकते हैं कट स्लीव में।